अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद नासिर और आप मेरे साथ देख रहे हैं काम की बात। काम की बात के इस प्रोग्राम के आगाज में हमारे साथ जुड़े हुए हैं सैयद जैनुल आबिदीन सईद, जो ऑल इंडिया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री माइनॉरिटी कमेटी के चेयरमैन हैं। तो आइए आज हम उनसे इस बारे में कुछ राय मशवरे लेते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या है और उसके अंदर हम कैसे शामिल हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सईद साहब, हमारे प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। ये एक्चुअली जो काम की बात है, ऑल इंडिया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च करी जी। जैसा कि राज्यपाल एम्प्लॉयमेंट एक स्लोगन था, अभी भी चल रहा है, और दूसरा खुद कमाओ खुद खाओ, ये एक ऐसा कैंप था सिटी के अंदर जो तकरीबन सलाम बस्तियों के अंदर जाके उनको आइटम सामने रख के उनको सारे चीज़ों से आगाह किया गया। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर 15 जनवरी से फिर वो बैन का दौरा जारी रहेगा। अब ये हमारा जो काम की बात जो प्रोग्राम है हाल ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की जानिब से, ये तय किया गया कि काम की बात हफ्ते में एक हफ्ते संडे के दिन एक टाइम के ऊपर उसको लॉन्च किया गया। तो उसमें यह होता कि कस्टमर जो भी जो क्लाइंट है हमारा, जो उसको इंक्वायरी चाहिए, जो रिक्वायरमेंट चाहिए, उन्हें मेरे से लाइव से पूछ सकता हूँ। उसको वो काम की बात है। एक्चुअली लोग समझे कि काम की बात के अंदर क्या सब्जेक्ट है, तो इसीलिए मैं वो सब्जेक्ट के तहत आपको समझाने आया। आपने मुझे बुलाया, बड़ा शुक्रगुजार हूँ मैं कि एक ये आवाज़ जो है काम की बात, आप लाइव हमारे से रास जुड़ सकते हैं। तो इस प्रोग्राम के अंदर ऐसे क्या मशवरे और क्या गाइडेंस देंगे आप, वो तो हम आपको बता दिए। देखिए मेरा एक्चुअली 200 से ज़्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के आइटमों पर वर्क किया गया है कमेटी की जानिब से, और उसमें 40 या 45 आइटम ऐसे अलग करे हैं जो हम कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए 45 आइटम अलग किए हैं। मेरी फेसबुक पेज है काम की बात और खुद कमाओ खुद खाओ, रन फॉर एम्प्लॉयमेंट, ये सब्जेक्ट के ऊपर कहीं भी दुनिया के कोई भी मुकाम पर रह के उन्हें जानकारी हासिल कर सकता। अब ये लाइव प्रोग्राम के अंदर काम की बात के अंदर सेकंड उसको ये ख्याल आता कि मैं आज साहब से डायरेक्ट बात करूं और कुछ आइटम नोट कर लूं, क्योंकि देखने की बात अलग है, उन्हें लाइव से मेरे से पूछने की बात अलग है। अब जस्ट लाइक एक पेपर कप है, अब वो सवाल करते हैं मेरे से कि पेपर कप के कितने वैराइटीज हैं। तो एक्चुअली पेपर कप के जो है सो 10 से ज्यादा वैराइटीज हैं, जो 40-40 ml से लेके 250 ml तक इसके साइजेस हैं, इसके पेपर की कटिंग है और इसके मशीन के अंदर जो रोल आता उसकी जानकारी है, रॉ मटेरियल की है, तो इसको कैसा यूज करके किस तरीके से प्रोडक्शन को रखना और मार्केट में कहाँ डंप करना, कैसे उसको मार्केटिंग के अंदर आसान तरीका बताना, ये कमेटी की एक रहनुमाई अवेयरनेस कैंप चल रहा है जी। देखिए तकरीबन लोगों का सवाल है कि अगर वो लोग तिजारत या बिजनेस करना चाहते हैं तो वो नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि एक इंसान के पास अगर बिजनेस करना चाहिए तो कितना पैसा उसके पास होना चाहिए कि एक छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा बिजनेस शुरू करने के लिए। देखिए एक्चुअली बिजनेस चालू स्टार्ट करने के लिए वैसे मैन्युफैक्चरिंग आइटम के अंदर आपको हजारों लाखों रुपए की जरूरत पड़ती है जी। जो हम मार्केटिंग के जो एतबार से 45 आइटम जो अलग किए हैं उसमें सिर्फ 2000 रुपए का इन्वेस्टमेंट काफी है। अब रहा सवाल 2000 के इन्वेस्टमेंट में अक्सर लोग बोलते हैं कि आता क्या करते क्या जी। तो उसके लिए मैं जैसा कि आपको जैसा बताया कैंडल मेकिंग है, अगरबत्ती है, प्लास्टिक के पॉचेस है, एनवेलप है, पेपर के एनवेलप है, ये इसको बगैर मैन्युफैक्चरिंग करे मार्केट से उठा के रिटेल में सप्लाई करा तो मेरा अंदाजा है, मेरा ख्याल है कि डेली 500 से 700 रुपए बआसानी कमा सकता। उसका इन्वेस्टमेंट ऑफ अमाउंट सिर्फ 2000 रुपए है। अगर किसी को ज्यादा रिक्वायरमेंट है उन्हें सप्लाई हफ्ते में एक बार कर सकता। देखिए मिसाल के तौर पर कोई इंसान के पास अगर 2000-3000-5000 रुपए है और वो ये बिजनेस शुरू करना चाहता है लेकिन उसको आइडिया नहीं है कि ये अगरबत्ती मोमबत्ती जो भी बता रहे हैं हमें कौन सा आइटम कहाँ से लेना, कब लेना, वो कितने रेट में पड़ता है, होलसेल में रिटेल में उसको कैसा लेना, कहाँ पर देना, उसके बारे में आपकी कमेटी कुछ इसके बारे में गाइडेंस या मशवरे दे सकती है क्या? बराबर गाइडेंस, ये जो काम की बात में जो प्रोग्राम लॉन्च किया हूँ ये उन्हीं के लिए है जी, मेन खुसूसन क्योंकि दूसरे बड़े इन्वेस्टमेंट बड़े प्रोडक्शन कंपनीज के से मेरे वेबसाइट के ऊपर मेरे फेसबुक आईडी पे ऑल सोशल नेटवर्किंग पे सारी चीजें हैं जी। मैं उन्हीं के लिए ये काम की बात स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ
कि 2000 के इन्वेस्टमेंट से कितने आइटम लॉन्च कर सकते हैं, कितने जगह पे आप जाके काम कर सकते हैं। अब हर एक का एक अलग अलग है, जैसा कि आपको मैं बताया पेपर कप है, ये मेरे पास कंपनीज के एड्रेसेस हैं, जो आप डायरेक्ट होलसेल से भी लियो तो आपको भी 1-2 रुपए डायरेक्ट कंपनी से कम में मिलता। इसके जो लड़ी आते हैं वो जो है सो मैं समझता हूँ 9800 के कैपेसिटी के रहते हैं। तो ये आजकल जितने भी स्टाला है रोडों के ऊपर, छोटे होटल्स हैं, सारे लोग पेपर कप यूज कर रहे हैं, तो इनको सप्लाई कर सकता हूँ। कोई भी आप इंडस्ट्री में आने से पहले आपको एक्सपीरियंस होना मस्ट है। तो मेरी राय है पब्लिक को, मेरा एक एक्सपीरियंस है कि आप छोटा बिजनेस 2000 का स्टार्ट करिए, अलहमदुलिल्लाह इंशाल्लाह अगर 1-2 साल में आप जम गए तो आप मैन्युफैक्चरिंग में आ सकते हैं, क्योंकि उसकी टेक्निक समझ सकते हैं, उसकी फिनिशिंग समझ सकते हैं, उसका रॉ मटेरियल कैसा परचेस करना, मार्केटिंग कैसा करना, रीसेल कैसा करना, उसको वो 1-6 महीने तक आइडिया आ जाता। देखिए तकरीबन लोगों का सवाल यह रहता है कि अगर वो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उनको लोन चाहिए एमएसएमई से या नहीं तो माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से या गवर्नमेंट सेक्टर से, तो ऐसे अगर लोन अगर कोई शख्स लेना चाहता है उसके बारे में आपकी क्या राय है कि आप लोग लोन के लिए हेल्प करते हैं या लोन के लिए कुछ करियर गाइडेंस या मशवरे उनको दे सकते हैं? देखिए ये सारे लोन के ऊपर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के लोनों के ऊपर मैं अवेयरनेस कैंप करा चुका हूँ जी। पब्लिक को ये चाहिए कि पहले प्रॉपर रीड करे जी, आपको करना क्या है पहले वो तय करिए। जैसा ये गवर्नमेंट के स्कीमा है, कभी ऑन होते हैं कभी बंद होते, वो उनके बजट के हिसाब से चलते हैं, उसमें हमारा अमल दखल नहीं रहता जी। अब अवेयरनेस क्या रहता, हाउ टू अप्लाई, आप लोन को कैसा अप्रोच होना है। अब रहा सवाल, लोग बोलते हैं कि कुछ भी कर लेंगे पैसा देने के, 50,000 माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन आपको लोन देगी एग्जाम्पल। अब वहां पे डायरेक्टर पूछता, मैनेजर पूछता, कोई भी पूछता कि 50,000 रुपए आप जब लेके करेंगे क्या, तो वहां से सामने से जो वर्ड आता कुछ भी कर लेंगे, वो कुछ भी का वर्ड फॉर्म में नहीं है। इसीलिए मैं वो वर्ड को मिटाने के लिए मैं ये काम को लेके आया हूँ मार्केट में। तो एक इंसान अगर लोन लेना चाहते हैं, वो लोग अगर सवाल करते हैं या बैंक के मैनेजर हो या जो भी उसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो या मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर डायरेक्टर, अगर वो लोग सवाल करते हैं कि आप क्या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो तकरीबन लोग जैसा आप बता रहे हैं कि कुछ भी कर लेते हैं तो वो लोग लोन को रिजेक्ट करते हैं, तो आपकी क्या राय है कि इसके अंदर वो इंसान अगर ये बोलने से उसको लोन मिल जाता? मैं ये लोन के ऐसे गाइडेंस का मैसेज मैं ये देना चाह रहा हूँ कि पहले आप सब्जेक्ट तय करें, जैसे आपका टेलरिंग है, गारमेंट है, जूट बैग मेकिंग है, अगरबत्ती मेकिंग है, कैंडल मेकिंग है, और बहुत सारे हैं कॉस्मेटिक आइटम्स है लेडीज के, और जैसे आपके होलसेल के अंदर ड्रायर और ड्रा का भी बिजनेस बहुत अच्छा है, प्रॉफिटेबल है, ये लोगों की समझ के बाहर है कि एक ऐसी चीज में दिखा के आप अगर सपोज एक आइटम बेच रहे गारमेंट की दुकान है, तो मैं भी ये सोचता हूँ कि गारमेंट की दुकान डाल दूं, ये बात गलत है जी। क्योंकि हर फील्ड के अंदर एक एक की लाइफ है जी। मैं भी ये कर लूंगा होटल डाल के, मैं भी होटल चला लूंगा, हजाम की दुकान डाल के मैं भी चला लूंगा, नहीं चला सकते जी। कुछ आइटम पे आपको एक्सपीरियंस होना मस्ट है, जैसे डेयरी फार्म है, आप डेयरी फार्म में जब तक ओनर काम नहीं करता आपको प्रॉफिट नहीं होता जी। क्योंकि नौकर क्या करते हैं, उनको दूध का नीचे कम ऊपर कर देते, चारा सही नहीं देते, भैंस का दूध कम हो जाता, तो ऐसे सारे चीजें देखने के ऐसे 99% ऐसे बिजनेस है जिसमें ओनर का इन्वॉल्वमेंट होना टू बी मस्ट कंपल्सरी है, उन्हें ओनर आना। अब ओनर को आने के लिए एक फील्ड एक चॉइस कर लिया कि भाई हाउ टू जूट बैग मेकिंग, अगर जूट बैग कैसे बनता है, मार्केट से उन्हें 4 सैंपल कलेक्ट करा, रॉ मटेरियल का हम एड्रेस देते उसको, डेकोरेटेड आइटम का हम एड्रेस देते, मार्केट में कहाँ बना के डालना, इंशाल्लाह हम पूरा उसको एड्रेस गाइडेंस करते हैं। और हमारी सर्विस प्योरली मैं समझता हूँ कि इंडिया में कोई ऐसी एक NGO होगी कि बड़ी बात हो जाएगी आपके सामने अगर मैं बोलूं जी। तो हमारे पास क्या है, पिछले 13-14 साल से सिंगल 1 रुपया ना किसी को लेते ना देते जी। ये एक कमेटी को हम मोनोपोली गुडविल जिसको बोलते हैं वो मेंटेन करते आ रहे हैं, अल्लाह का करम है, हम 7 मेंबर हैं जो मुख्तलिफ मजाहब से ताल्लुक रखते हैं, क्रिश्चियन हैं, सरदार जी हैं और कायस्थ हैं, पारसी हैं। तो आपकी कमेटी के अंदर जो मेंबर्स हैं अंदर पूरे मजहब के लोग हैं राइट, तमाम तो अभी कमेटी किसी से 1 रुपया चार्ज नहीं करती, जैसे मशहूर आपसे ले सकते हैं, आप करियर गाइडेंस भी करें, यानी आप लोगों की मदद करना चाहते हैं कि लोगों को बिजनेस पे कैसे लाए, एक इंसान अपना ओन बिजनेस कैसे शुरू करे, उसके बारे में आपकी कंपनी
इस चीज के लिए मशवरा देती है राइट। बस अब हम मशवरा आपको गाइडेंस देते हैं, कैंप कराते हैं, गवर्नमेंट के डायरेक्टर्स को बुलाते हैं, आप उनसे सवाल जवाब पूछ सकते हैं। पहली चीज मैं एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ हमारे खान से कि पहले अपने अंदर का डर निकालिए, उसके बाद अना को निकालिए। अना का मतलब जो जैसा बता रहा हूँ, लोग डरते हैं कि भाई अगर मैं थैली में दाल लेके अगरबत्ती ले आके सप्लाई करा या कैंडल मेकिंग डाला, बर्थडे कैंडल डाला या दूसरे जूट बैग डाला, तो लोग देख लेंगे और कहेंगे कि भाई ये क्या कर रहे हैं आपका। ये गलत है सोच, ये 100% सोच गलत है, क्योंकि बिजनेस कभी छोटा है नहीं कोई लाइन का। ऐसे लोगों के बारे में क्या बोलना चाहते हैं सही साहब, जो तकरीबन बहुत रिच है, आज हिंदुस्तान की मशहूर शख्सियत है, पूरे वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट पर्सन में आते हैं, उन्होंने भी बहुत सारी मेहनत की, वो लोग भी ऐसा कुछ शर्मा नहीं, लेकिन आज दुनिया में उनका मुकाम दिख रहा है क्या है, तो ऐसे बारे में आपकी क्या राय है? देखिए बहुत सारे ऐसे जो दिग्गज हैं आज बिलियनर्स ऑफ कंपनी के ओनर है, वो तो मैं समझता हूँ वर्ल्ड में जानते लोग, मैं यहाँ पे आपका मजीद टाइम ना लेते हुए मैं उनकी हिस्ट्री ना बोलूं। जैसा मेरे को मेरी जहां तक हिस्ट्री है कि आप जैसा निर्मा वाशिंग है, रिलायंस ग्रुप है, और आपके वैप्रो है, प्रेम जी क्या नाम है उनका, अजीत प्रेम जी, तो ये के सारे जो है सो पहले छोटी लेवल से गए, और जो है सो आपके उत्तर प्रदेश के सारा ग्रुप है जी जी, सुपुत्र वाला है, वो स्टार्टिंग से जो है सो उनका मैं इंटरव्यू देखा था कि 2500 रुपए के इन्वेस्टमेंट से चालू करे, आज कई लाख करोड़ का बिजनेस है जी। तो देखिए आप किसी भी चीज को आगे ले जाने के लिए ईमानदारी नियत साफ रखते हुए आप काम को स्टार्ट करिए। मेरी नजर में मेरी अपनी 20 साल की जो मैं वह संभाला जब से ये कमेटी में लास्ट मैं 13-14 साल से काम कर रहा हूँ जी, मैं सारे स्टेटों का दौरा कर चुका हूँ हिंदुस्तान में, मैं एक चीज देखा हमारे लोगों में कि एहसास कमतरी है जी। अब वो एहसास कमतरी को दूर करने के लिए पहले आप अपने आप को मुतमइन कर लीजिए, मैं ये काम कर सकता हूँ, काम कोई चाहे आप सेलेक्ट करिए। 8765 आइटम है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, क्योंकि मैं हर इंडस्ट्री के आइटम पे मैं आपको नॉलेज नहीं दे सकता, कुछ टेक्निकल इंडस्ट्री पॉइंट है जो मेरे पास कमेटी जो उनको कुछ पे करती है और उनसे गाइडेंस लेती है। टेक्निक जैसा कि पेंट मेकिंग जो ब्रश पेंट करते हैं, ग्रीस है, और दूसरे आपके डामर के कुछ और दूसरे आइटम्स हैं, ये जो बड़े प्लांट है इनके लिए जो है सो मैं दूसरों से राय लेता हूँ, जो टेक्निकल इंजीनियर्स हैं मैं उनसे गाइडेंस लेके इनका प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ये अल्लाह ताला काम ले रहा है, मेरे से मेरी कोई औकात नहीं है कि एक सब्जेक्ट ये सोचना आज इतना बड़ा पूरी दुनिया में फैलना, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में नहीं बल्कि बाहर के ममालिक में भी ये आवाज़ जा रही है। मैं जब रन फॉर एम्प्लॉयमेंट के प्रोग्राम्स कराया था और उसके प्ले कार्ड, तो मेरे को बाहर के भी कंट्रियों से मेरे को फोन आए कि व्हाट इज दिस, ये क्या है, तो हमने समझाया उसको कि पब्लिक को रोजगार से जोड़ने के लिए एक रन का एहतमाम कर रहे हैं हर सिटी में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट के अंदर। तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम के अंदर कमेटी इरादा रखती है कि सारे चीजों को बखूबी जो है सो अंजाम दे, शर्त यह है कि सामने वाला करने तैयार हो जाए, उसके बाद हमसे आप कनेक्ट होइए, इंशाल्लाह हम आपकी पूरी गाइडेंस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए नाजरीन चलते हैं, हमें इजाजत दीजिए, और हम सैयद जरूर अबीन सईद का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अब हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अब हमें इजाजत दीजिए, हम फिर अगली बार मिलते हैं दूसरे प्रोग्राम के साथ, अल्लाह हाफिज़।